नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से कराते हैं आपको रूबरू, दिखाते हैं आपके जिले और शहर की भी खबर। तो चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें आर भारत टीवी चैनल। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी और मैं हूँ आपके साथ अक्षय पटेल जेपी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के सासाराम आरा मुख्य पथ पे उपस्थित हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे में, पुलिस प्रशासन एवं नगर कर्मी एवं कार्यपालक पदाधिकारी विक्रमगंज के में अतिक्रमण हटाने की कार्य प्रगति पर है, जिसका नेतृत्व विक्रमगंज के आयुष अनुमंडल पदाधिकारी प्रियंका रानी के आदेश से अनुसार किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन अपने ड्यूटी बखूबी निभाते नजर आ रही है। अतिक्रमण के दौरान बताया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस कार्य में बाधा डालने का कार्य किया गया, जिसे प्रशासन ने अपने हिरासत में ले लिया है। आगे मैं आपको बताते चलूं कि अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव भी किया गया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। हालांकि एक दिन पहले लाउडस्पीकर के द्वारा पूरे शहर में सभी दुकानदारों को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया गया था, परंतु इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगा, अतः प्रशासन को मजबूर होकर ये रास्ता अपनाना पड़ा। जेसीबी प्रशासन के मदद से विक्रमगंज अनुमंडल के मुख्य पथ को अतिक्रमण मुक्त बनाने का कार्य चल रही है और मुक्त बनाना, यातायात के लोगों को सुविधा मिल सके और लोग फायदा इसका उठा सके। तो आइए जानते हैं नगर कार्यपालक पदाधिकारी एवं दुकानदारों ने इस पर क्या कहा। आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। नमस्कार, और मेरे चैनल को देखने के लिए, नए नए नोटिफिकेशन देखने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। अपना परिचय सर। मैं सूर्यानंद सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद। ये अभी विक्रमगंज में अतिक्रमण देखा जा रहा है, हटाया जा रहा है। हाँ, ये अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पे विक्रमगंज नगर परिषद में जो भी अस्थायी हैं अतिक्रमण किया गया है, उनको हटाया जा रहा है और अस्थायी के लिए सबको नोटिस दे करके उनकी नापी करके उनको भी हटवाया जाएगा और उनको फाइन भी किया जाएगा जी। ये कितने, मतलब यहाँ से दूरी क्या क्या है सर, ये शहर के सफाई करने के लिए अतिक्रमण? अतिक्रमण जो मेन मार्केट है, मेन मार्केट पे जो अस्थायी छज्जा निकाल दिए हैं या किसी भी तरह का दुकान लगा दिया गया है, उनको हटवाया जा रहा है। ये अतिक्रमण हरदम के लिए हट रही है या नहीं? अतिक्रमण हटाया जा रहा है, फिर ड्राइव चलाया जाएगा। अगर फिर इंक्रोच करते हैं तो फिर जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया जाएगा और थाने को सूचित किया जाएगा कि जो हटाया गया है उसको यथास्थिति बनाए रखा जाए। चलिए सर, आर भारत टीवी चैनल को आपने जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, सबसे पहले अपना नाम बताइए। एमडी छोटू मिस्त्री। अच्छा, आरा रोड। अभी ये सब आपकी देखा जा रहा है कि पूरा गिरा हुआ है, बांस उससे जो घिरे हुए हैं, कारण अतिक्रमण आ गया है। अच्छा, अतिक्रमण कब से? कल से अनाउंसमेंट हुआ था हटाने के लिए, हम लोग हटा रहे हैं। अच्छा, ठीक। पहले भी तो अतिक्रमण हटाया गया था? जी, पहले भी एसडीओ साहब जब आते हैं जब चेंज होता है अतिक्रमण। चलिए, आर भारत टीवी को जानकारी दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है आप लोग का अतिक्रमण हटता है? दिक्कत तो सर है ही है ना, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, रोड पर ना जिएगा सर जी। चलिए, बहुत सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। नाम मेरा मोहम्मद जावेद खान है, दुकानदार है, जेके ऑटो पार्ट्स दुकान है। अच्छा, किस रोड में? आरा रोड। अच्छा, ये जो अभी अतिक्रमण हटाया जा रहा है जी, इसके लिए आपके पास कोई खबर सूचना पहले से? अनाउंसमेंट हुआ था। कब हुआ था? कल हुआ था शाम में। क्या अनाउंसमेंट हुआ था? क्या अनाउंसमेंट हो रहा था? जितने भी रोड पे किया गया है सबको हटाया जाए, अतिक्रमण हटाया जाए, नहीं तो उनका सामान जब्त किया जाएगा, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Thank you.
Gracias.